दिया है, काम करने का एक रास्ता बताया है। मैं अपने अध्यक्ष जी को पूरा सहयोग करूंगा और केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस मौके पर झारखंड को बचाने में हमारी जितनी ताकत होगी लगाएंगे। लगातार बागी नेताओं को मनाने का दौर चल रहा है, एक बेहतर परिणाम 23 नवंबर को दिखेगा एनडीए के पक्ष में। थोड़ा सा होता है चुनाव का दौर में, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2014 की सीमा को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। इस चुनाव के मौसम में मैं 50 वर्षों से इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, 84 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 1984 से। जितनी भगवान ने अकल दी है और जितना सीख दिया है संगठन ने, इस चुनाव की चुनौतीपूर्ण काल में झारखंड को बचाने के लिए सब कुछ लगाने का कोशिश करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भगवान को साक्षी रख करके झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, सफलता हमें ही मिलेगी। 2014 और 2024 2014 में जो सफलता का हमने सीमा रेखा बनाया है उसको पार करने की कोशिश करूँगा। अरे अरे आपका चश्मा गिरेगा, चश्मा। अरे ठीक से आराम से रहो ना भाई, सबका दिखेगा। देखिए कोई भी राजनीतिक दल में कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर इच्छा जागृत होती है कि वो भी प्रत्याशी बने, पार्टी उसको भी टिकट दे। लेकिन पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखा है और लोगों को बताता भी हूँ, पहले मैं स्वयं अमल करता हूँ तब फिर किसी को बोलता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक को कैंडिडेट बना दिया, बाद बाकी लोग उनको जिताने के लिए तटबंधन से समर्पित होकर काज करें। राजगी है तो मैं कम से कम इस मामले में खुश हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हमसे किसी को नाराजगी नहीं है। यदि नाराजगी सीपी सिंह से है किसी बात को लेकर तो बताना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में हमने बात किया है, मेरे अच्छे संबंध है, हर कार्यक्रम में हम लोग साथ में काम भी किया है, तो पार्टी इस पर विचार कर रही है। अब सवाल यह है कि नॉमिनेशन फाइल हो गया है, पार्टी विचार करेगी, बात करेगी, मनाने का प्रयास करेगी। अरे परिवार का कोई सदस्य रूठ जाए तो मनाया जाता है कि नहीं, ये परिवार की बात है, परिवार की बात को बाहर इतना तूल दिया जा रहा है उचित नहीं है। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसा है कि भाई यदि मेरी गलती होती है तो मैं क्षमा मांगने में कोई देर नहीं करता हूँ, और कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम्, जो बड़े लोग होते हैं वीर होते हैं वो क्षमा भी करते हैं। मैं इतना ही मान के चलता हूँ, मैं अपना किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। आपसे बात की है उनसे कि अगर कुछ ऐसा हो आपस में सामंजस्य बैठे तो वो वापस नामांकन? देखिए मैं अपने कार्यक्रम में लगा हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा एक एक मिनट का समय का महत्व है। अब मुलाकात नहीं हो रही, उनके भी अपने कुछ काम होते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि हमारे मन में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव है और आगे भी रहेगा, चाहे वो दूसरे दल का प्रत्याशी हो चाहे अपने अंदर के प्रत्याशी हो, हर प्रत्याशी से। अब कल मैं नॉमिनेशन 2 सीट का और करने गया था, जानकारी मिला कि हमारे उस समय तक 36 नामांकन हो चुके हैं, उसके बाद और लोग इंतजार में बैठे हुए थे, तो जितने लोगों ने नामांकन किया है रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, वो सारे के सारे के प्रति मेरा सम्मान का भाव है। अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंदर राय, बधाई दे दिया बच्चों को, जितनी भी एग्जाम हो या प्रतियोगिता की, जेपीएससी हो जेएसएससी हो, सब एग्जाम गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ,
पेपर लीक हुआ, हम सब ने कहा है कि भाई आप बताओ कि जितने भी पेपर लीक गड़बड़ हुआ जिसकी होगी, सरकार बनेगी तो उन सब की जांच भी कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उसको दंडित भी किया जाएगा, और साथ ही सरकार बनते ही अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए कैलेंडर भी जारी कर दी जाएगी सरकार, क्योंकि जितना सरकारी पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट है उसको अगले 5 वर्षों में भरा जाएगा, लेकिन 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख वैकेंसी को भर दिया जाएगा। सर ये बागियों को कैसे निपटाएंगे? अरे सब निपटाना क्या, सब जगह खड़े हैं, सबसे हम लोग बात कर लेंगे और सब मामला सुलट जाएगा। काफी लोगों से आज भी हमारी बात हुई, काफी लोग मान भी गए हैं, अब समय आते आते आप देखेंगे सब लोग मान जाएंगे। सर अंसारी जैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लाना चाहिए? हमें कहा कि दुर्गा सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन की भाभी है, और ऐसे तो सभी महिलाओं को सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी अगर इतना घटिया शब्दों का इरफान ने उपयोग किया और इसके बाद भी वो चूप है, तो इसे आप समझ सकते हो वोट के खातिर कि इस हद तक इरफान से क्या कहते हेमंत सोरेन ने समझौता किया है।